तो आज हम लेके आए वो टॉपिक त्रिकोणमिति का एनसीईआरटी 10th क्लास का 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का वो चौथा क्वेश्चन है। तो पहला दूसरा तीसरा हम करवा दिए, अभी जो करवाएंगे चौथा करवाएंगे और बहुत बेटर तरीका से एक एक स्टेप आपको समझाएंगे, अपना मेथड अपना रूल से आपको हम समझाएंगे, ऐसा नहीं हो कि आपको समझ में नहीं आए। तो देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, इसको कई तरीका से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखना, यहाँ LHS इतना है और RHS इतना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान विधि है, सबसे पहले RHS को पकड़ेंगे, क्या RHS को लेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे तो बहुत आसानी से पूरा आसानी से आपका LHS निकल जाएगा, या इसको पकड़ेंगे भी तो ये भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा डीप इधर से होगा, तो इससे इधर लेंगे तो RHS लेंगे तो आसानी से ये हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर ध्यान से देखना है, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले लिखना है RHS, LHS को नहीं ले रहे हैं, RHS को ले रहे हैं, तो यहाँ पर RHS लेंगे, क्या RHS, ध्यान से देखना है RHS, उसके बाद साइन स्क्वायर ए क्या है, साइन स्क्वायर ए बट है 1 माइनस कॉस ए, ये तो आप पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। सबसे पहले आपको हर हमेशा कहते हैं, हर वीडियो में हम बोले हैं, हर क्लास में बोले हैं आपको सूत्र याद करने, तो गाइज आप सूत्र याद करते हैं तो आपसे छोटा क्यों ना रहे सवाल, बड़ा क्यों ना रहे आपसे बनेगा, तो आपको सूत्र नहीं रहेगा याद तो छोटा क्यों ना रहे सवाल आपसे नहीं बनेगा, क्यों ना, बहुत ही आसान है, लेकिन आपको साइन स्क्वायर थीटा वाला सूत्र नहीं याद होगा तो आपसे नहीं बनेगा, ये कितना छोटा सवाल है तो आप देखिएगा, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का आपको याद नहीं रहेगा ना सूत्र, आपसे नहीं बनेगा, हम 100% कर देते हैं, लेकिन आप जाइए प्लेलिस्ट में वीडियो है और सूत्र वाला और अच्छी तरीका से बता दिए, वो जाकर के देखिए और अच्छी तरीका से अच्छी मेथड से बताए हैं और कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो गाइस यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। तो गाइस सबसे पहले हम सूत्र भी लिख देते हैं, साइन स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, थीटा है तो थीटा के जगह पर ए है तो ए देंगे, ये सूत्र है, तो इसका या कॉस स्क्वायर थीटा रे, कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इस तरह का हम पूरा बता दिए किस तरह सूत्र का निर्माण होता है, तो हम सब बता दिए। तो गाइस यहाँ पर देखना है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, तो यहाँ पर देखना ध्यान से, सबसे पहले करेंगे क्या इसको, अब देखना है यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है ना, साइन स्क्वायर ए है तो इसको हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। अब देखो बटे 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, 1 माइनस कॉस ए कुछ नहीं किए हैं, तो आप जानते हैं 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक इसी प्रकार हम जब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र निकल गया, लेकिन आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी ये होता है। तो गाइस यहाँ पर वही सूत्र लगाएंगे और इसी से हम हल करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर दो बार लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, क्या 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और कुछ नहीं किए हैं, अब बटे है, बटे क्या है, बटे है 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो गाइस यहाँ पर देखना है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो रहा है, ये माइनस में है, ये भी माइनस में, ये तो कट रहा है तो काट देंगे, तो डिलीट कर देंगे, बचा क्या 1 प्लस कॉस थीटा, क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पर देखना है गाइस 1 प्लस कॉस थीटा बचा तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे sec थीटा, क्या 1 बटे sec थीटा, ऐसे इसको लिख सकते हैं,
100%। 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र क्या आता है, 1 बटे सेक थीटा होता है। तो इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे, लेकिन क्या आएगा एलसीएम सेक थीटा, क्या आएगा सेक थीटा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या इसका एलसीएम ले लेते हैं, सेक थीटा आएगा एलसीएम, क्या सेक थीटा। इसका जब ना कुछ तो बटन में एक इसका एलसीएम लिए, यहां पर लिए वही सेक थीटा। तो सेक थीटा जब सेक थीटा 1 से करेंगे तो सेक थीटा ही मेरा आएगा, तो यहां पर सेक थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पर प्लस है तो यहां पर प्लस देंगे, सेक थीटा तो कट रहा है तो बचा क्या 1, तो यहां पर 1 देंगे। लेकिन आपको पता होगा, लेकिन हमको क्या लिए थे, हम क्या लिए थे आरएचएस लिए थे, लेकिन हमको प्रूफ करना था एलएचएस। आपको पता होगा, अभी पता नहीं चलता होगा ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। नहीं दोस्त, नहीं भाई, ये प्रूफ हो गया, क्या ये प्रूफ हो गया, ये मेरा निकल गया, क्या ये मेरा प्रूफ यही है। अब देखो sec थीटा प्लस 1 बाय sec थीटा, लेकिन यहां पर 1 प्लस sec थीटा बटे sec थीटा कुछ नहीं है, 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 बात बराबर रहता है, क्या बराबर इक्वल रहता है। तो इधर इसको कर देते हैं, क्या इधर हम इसको कर देते हैं, बात एक ही हुआ। तो यहां पर क्या है 1 प्लस है ना, तो 1 प्लस sec थीटा, क्या 1 प्लस sec थीटा और बटे क्या है sec थीटा, तो हो गया क्या sec थीटा के जगह पर a है तो a देंगे, थीटा रहेगा तो थीटा देंगे। ये भूलना नहीं है, ये करना है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीका से समझ में आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आया होगा। तो गाइज अच्छा लगे तो एक बार लाइक करें, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें, और अच्छी तरीका से समझ में आए तो दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।